सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊ मैं सदा तेरे प्यार के सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊ। वचन संगीत के सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। आइए भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। आमेन। मेरे यीशु प्यारे यीशु, तन मन में आओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, आशीष बरसाओ प्रभु।
वचन सुनने वाले हैं संत योहन की सुसमाचार अध्याय 15। यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु और हमारे बीच रिश्ता। प्रभु कहता है अपने वचन में संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 5, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां प्रभु एक अटूट रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। प्रभु कहता है कि वो दाखलता है और हम डालिया है जो उसमें जुड़े हुए हैं। यहां इस वचन में हम देखते हैं प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हमारा रिश्ता उसके साथ हमेशा बंधा रहे। व्यक्तिगत रूप में हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हमेशा हो, एक परिवार के रूप में परिवार भी प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहे, समूह भी प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालिया हो। इसके पहले के वचन अगर हम देखें तो इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। दूसरा वचन में प्रभु यीशु कहता है वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है चांटता है जिससे वे और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि हम जो डालिया है उसमें हमेशा जुड़ा रहे। और प्रभु यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बात करता है, दो तरह के लोगों के बारे में प्रभु बताता है। पहला, वे जो उसके साथ जुड़े हैं।
और दूसरे जो उसके साथ जुड़े नहीं हैं। दूसरा वचन में हमने वही सुना, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें यह देखना है मैं किस तरह का डाली हूं, हम किस तरह के डाली है, क्या हम प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ है, क्या हम प्रभु यीशु से अलग है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि जो डाली उससे जुड़ा नहीं है वो उसे अलग करता है, लेकिन जो डाली प्रभु में जुड़ा हुआ है वो बहुत अधिक फल देता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने ये सवाल है, हम किस तरह के डाली है, क्या हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं या हम प्रभु यीशु से अलग है। हमारे सामने दो विकल्प है, हमारे सामने दो रास्ते हैं। अगर हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बहुत अधिक फल उत्पन्न करेंगे, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु के साथ अलग रहेंगे तो हम फल नहीं उत्पन्न करेंगे। और इसका नतीजा यही होगा, प्रभु यीशु हमसे कहता है कि वो हमें काट देंगे, उससे अलग करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे के वचन में भी हमें यह सीखने को मिलता है कि हम प्रार्थना में अधिक फल उत्पन्न करें। इसीलिए अगर हम अकेले हो, परिवार या समूह, जरूरी है कि हम प्रभु यीशु के साथ एक होकर रहे। प्रभु हमारा दाखलता है और हम उसके डालियां है, वो हमारा पोषण करता है, इसलिए हम बहुत फल दे सकते हैं। आगे के वचन में हम ये भी देखते हैं कि जो प्रभु में एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, वो प्रार्थना में भी फल दे सकते हैं। प्रभु तो हमारे प्यारे यीशु है, प्रभु जैसा कोई नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ये जानते हैं कि प्रभु हमें पोषण देता है, हमारे परिवार को पोषण देता है, हमारे समूह को पोषण देता है, हमारे कलीसिया को पोषण देता है, तो हम भला उससे अलग क्यों रहे। आज प्रभु यीशु हम सबको निमंत्रण दे रहा है। प्रभु यीशु कहता है कि मुझसे एक बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे, तो तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, तुम्हारे जीवन में तुम शांति अनुभव करोगे, तुम्हारे परिवार में भी तुम फल उत्पन्न करोगे, तुम्हारे समूह, तुम्हारे पल्ली में भी तुम फल उत्पन्न करोगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर हम विचार करें। प्रभु यीशु हमारा दाखलता है और प्रभु यीशु के हम डाली है, हम सारे उनके डालियां है जो उसमें एक है। यही नहीं, प्रभु यीशु हमारा मार्ग, सत्य और जीवन भी है। जो प्रभु यीशु में एक रहता है, जो प्रभु यीशु में एक बना रहता है, वो बहुत अधिक फल उत्पन्न करते हैं। तो हम जरा इस बात पर विचार करें, क्या हम प्रभु के लिए फल उत्पन्न करना चाहता है, क्या हम प्रभु के लिए अकेला एक परिवार होकर, एक समूह होकर उसके लिए फल उत्पन्न करना चाहते हैं, क्या हम प्रभु यीशु के नाम को बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। प्रभु यीशु हम सबसे आज एक सवाल कर रहे हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, अगर तुम मुझ में नहीं रहोगे तो फल उत्पन्न नहीं करोगे, और अगर फल उत्पन्न नहीं करोगे तो तुम काट दिया जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे सामने एक बड़ा सत्य है, और सत्य ये है कि प्रभु यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब
यही चाहते हैं कि हम अच्छा बने, अच्छा व्यक्ति बने, हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। लेकिन क्या ये प्रभु यीशु के बिना मुमकिन है? प्रभु यीशु से अलग होकर क्या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समूह में हम किसी तरह का फल देख सकते हैं? हमारे सामने ये एक बड़ा सवाल है। आज हम एक निर्णय ले कि हम प्रभु यीशु के साथ एक होंगे, मरते दम तक, आखिरी दम तक प्रभु यीशु के साथ हम एक होंगे। हम, हमारे परिवार, हमारे समूह, हम प्रभु यीशु के साथ एक होंगे। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु यीशु से मांगे, क्योंकि वचन यह कहता है मांगने पर प्रभु यीशु हमें सब कुछ देता है। आइए हम प्रभु यीशु को हमारे मन में और हमारे शरीर में स्वीकार करें, उसे निमंत्रण दे कि प्रभु मुझ में जो कुछ आपका नहीं है तो उसे बाहर निकालना। मैं चाहता हूं प्रभु कि तुम मेरे ढाली बनो, मेरे दाखलता बनो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे समूह में मैं फल उत्पन्न करूं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथ जोड़ दें, आंखों को बंद रखें। हे अबा, इस समय के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा दाखलता है और हम उसके ढालिया है। हे पिता, अगर हम में किसी तरह की कमी हो प्रभु, तू उसे निकाल दे। तू हमें यह कृपा दे कि हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़ा रहे और फल उत्पन्न करे, ताकि जब हम फल उत्पन्न करें तेरी महिमा हो। यह प्रार्थना है पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमेन।
मेरा सहारा।